Hello everyone, welcome to NetCracket, and today we are going to discuss with the ICT most usable abbreviation according to asked so many times in the examination. So let's get started. If you new visitor on my channel, so go on the subscribe button and please bell icon ko zarur press kar dena taki aap mere regular updates jo hai wo lesson ले सकें. और मैं यहाँ पे बहुत ही अपकमिंग लेसन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन लेके आने वाली हूँ. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. तो आज संडे स्टार्ट पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट होने वाली है. तो सबसे पहले अगर आप अन अकेडमी के बारे में जानते हैं, अन अकेडमी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारी जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है, चाहे वो एनटीए नेट हो, यूजीसी नेट हो, सीएसआईआर नेट हो, आईटी जेईए हो, सीएसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, तो इसके लिए आपको अन अकेडमी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इजिली जो है सारे मटीरियल जो है कोर्स मटीरियल इंडिया टॉप एजुकेटर से सीख सकते हैं. तो इस प्लेटफॉर्म को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए. मैं खुद एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ अन अकेडमी पे, तो आप मेरे एनटीए यूजीसी नेट के लेक्चर्स में डाउनलोड कर सकते हैं. मेरा नाम यहाँ पे बस आपको टाइप करना है, दैट इज कोमल के, एंड आप यहाँ पे एजुकेटर नेम में फाइल फाइंड करके वहाँ पे ले सकते हो. ठीक है, तो मेरा नाम कोमल के है. सो यहाँ पे आप इजीली मेरे क्लासेस को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं. सो जब भी आप डाउनलोड का सेक्शन जाइएगा तो वहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन बन के आता है एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी में पेपर वन के लिए और पेपर टू कंप्यूटर साइंस के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए कंप्यूटर एब्रिविएशन. सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन हम यूज करने वाले हैं वो यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आपको, ADSL. ADSL का क्या मतलब होता है? असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. तो बेसिकली डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में यूज होती है ADCL. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं AI. AI is a branch of the computer science, artificial intelligence, यहाँ पे machine learning और artificial intelligence की use की जाती है. तो ये यहाँ पे AI का full form हो गया. ALU का full form तो सभी जानते होंगे, ALU का full form क्या होता है? Arithmetic Logical Unit. Okay. Next हम AP पे चलते हैं. What is the AP? AP is the automation protocol. प्रोटोकॉल की तरह यूज किया जाता है नेटवर्किंग वगैरह में, तो ये इसका फुल फॉर्म है. नेक्स्ट आ गए APPN, या आ भी चुका है APPN. तो इसका जो नाम है PPN से याद रखिएगा, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, एंड A इज फॉर एडवांस पीयर टू पीयर नेटवर्किंग है. ओके, नेक्स्ट वन आते हैं APRANET. APRANET का फुल फॉर्म है, देखिए मेरी स्लाइड को रोक के खुद से देने की कोशिश करिएगा, इसको हाइड कर लीजिएगा. APRANET का क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ठीक है, APRANET इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. इसमें भी बेसिकली नेटवर्किंग के टाइप से यूज किया जाता है इसको रिसर्च वगैरह के लिए, एडवांस रिसर्च के लिए, ये याद रखना. उसके बाद आते हैं ATM. ATM सभी को पता होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, पैसे निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं. फिर BER. BER स्टैंड्स फॉर बिट एरर रेट. बिट एरर रेट, जब भी ट्रांसमिशन रेट में कोई भी एरर निकल के आती है तो उसको बिट एरर रेट बोलते हैं. फिर BIOS. BIOS बेसिक, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो हैंडहेल्ड डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है, ये बहुत बार इम्पोर्टेंट आ भी चुका है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको याद रखना. बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ओके, नेक्स्ट है बिट, बाइनरी डिजिट, एवरीवन नो. देन DPI. DPI बेसिकली जो प्रिंटर वगैरह है उसको प्रिंट टाइप करने के लिए, जो प्लॉटर वगैरह का यूज किया जाता है तो उसके लिए यूज किया जाता है बिट, बाइट्स पर इंच. नेक्स्ट है BPS. देन दिस इज द बिट्स पर सेकेंड, that is BPI is inch, I stands for inch and S stands for bits per second. CAD और CAM application mechanical में use किए जाते हैं, जितनी भी machine designing की जाती है उसमें graphics designing का use किया जाता है, तो that is known as to be a computer aided design. Okay, and next one is a CCU, communication control unit. तो जल्दी से cover करते हैं CD. कॉम्पैक्ट डिस्क, यहाँ मैं सारा आपका रिवीजन करा रही हूँ फ्रेंड्स. सो अभी तक अगर आपने मेरे और भी लेसन देखने हैं तो आप जाके अन अकेडमी पे दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. और यहाँ पे मैं कंप्लीट सिलेबस करा रही हूँ पेपर वन के लिए बेसिकली, और पेपर टू जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है उनके लिए. तो चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, नीचे हो गया थोड़ा.
ओके अब वॉच हो रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं CDMA, दैट इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसका भी नेटवर्किंग में ही यूज किया जाता है। परसिस्टेंट CDMA और नेटवर्किंग जब प्रोटोकॉल एक दूसरे से परसिस्टेंट और पी परसिस्टेंट वो बात की बात है। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कोड सी कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है, अलग है। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क एंड CDMA स्टैंड्स फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट है CD-ROM। CD-ROM तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ROM तो सभी को पता होगा ROM क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एक RAM होती है एक ROM होती है, तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, रिवीजन हो रहा है अच्छे से। देन नेक्स्ट है CGI। CGI का क्या है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। नेक्स्ट CLI, इसका क्या बताएं, नेक्स्ट नया नाम सुन रहा हूँ मैं। ये भी एक इंटरफेस की तरह यूज होता है, कॉल लेवल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका बेसिकली यूज किया जाता है। देन CMOS, देखिए दो यहाँ पे CMOS है। ठीक है, तो वो एब्रीविएशन अगर आपको इनमें से कोई भी एक देता है या दोनों ही देता है तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही देगा, लेकिन अगर एक देगा तो कोई भी करेक्ट हो सकता है। पहला वाले का CMOS देखिए, सेलुलर मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है पहला, एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंटर मेटल ऑक्साइड सेमी कनेक्टर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में यूज किया जाता है। दोनों ही CMOS जो है चिप वगैरह में लगाने के लिए यूज किया। नेक्स्ट है कोबोल। कोबोल एक लैंग्वेज है, ठीक है, तो एल से याद रखिएगा कोबोल, एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉमन, CO, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बहुत ही पुराने टाइम की लैंग्वेज इसमें यूज किया जाता था। तो यहाँ पे क्या है CO, दैट स्टैंड्स फॉर कॉमन, फिर बोल से याद रखिएगा बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है CPU, बहुत आसान है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर में यूज होता है एज अ मेन फंक्शन, इट इज अ ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, राइट। देन CRT, कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज किया जाता है, कैथोड रे ट्यूब। पुराने समय में जो टेलीविजन वगैरह होते थे वो इसी पे बेस्ड होते थे, बड़े बड़ा सा मॉनिटर वगैरह है, तो ये टीवी से याद रखना। ठीक है, टीवी। नेक्स्ट है DASD। DASD क्या है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, DBMS कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जानते होंगे। DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो भी हम डेटा वगैरह यूज करते हैं कंप्यूटर में उसको रखने के स्टोर करने के लिए हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन DDRM, डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आई लिख देती हूँ, दैट इज डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस, ड्राइवर इंटरफेस वगैरह के लिए कॉमन फाइल्स को यूज करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जो भी ड्राइवर्स वगैरह होता है। नेक्स्ट है DLL। DLL स्टैंड्स फॉर डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी फंक्शंस वगैरह के लिए। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले MS DOS वगैरह यूज करता था, ब्लैक कलर का स्क्रीन रहता था वही रहता था। नेक्स्ट है DTP, दैट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ओके, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। सो यहाँ पे है EDI, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। FAT का क्या फुल फॉर्म है, फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है, फाइल एलोकेशन टेबल, पेज टेबल जब बनाते हैं पेजिंग वगैरह के लिए तो वहाँ पे यूज करते हैं। Fortran इज ऑल्सो अ फॉर्मूला ट्रांसफर ट्रांसलेशन, दैट इज यंग लैंग्वेज ही थी Fortran पुराने समय की, कोबोल के टाइम। FTP, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज किया जाता है एज अ प्रोटोकॉल। GB, दैट इज गीगाबाइट, इसका फॉर्मेशन याद रखिएगा, भी मैं ICT वाले लेसन में बता दूंगी इसका फॉर्मेशन याद रखिएगा। तो एक गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होता है। नेक्स्ट HDD, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। HTML इज ऑल्सो अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP इज ऑल्सो अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसमें तो ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, और ये इसकी सहायता से हम जो भी रिक्वेस्ट है ओवर दी वेब सर्विसिंग वो हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और उसको फिर रिसीव करते हैं। ओके, देन IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स।
सर्किट चिप्स वगैरह में यूज किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी की तरह है, अभी टीसीपी भी आएगा। आईएसडीएन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस पेज में जितने भी हैं सब इम्पोर्टेंट है। तो ISDN का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ISO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल, जो भी मार्किंग वगैरह किया जाता है कि एक फूड के पैकेट के ऊपर भी आपने लिखा देखा होगा OSI ISO, तो ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। JPEG इमेज का फॉर्म है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इज अ फुल फॉर्म ऑफ JPEG। KB इज किलोबाइट एंड 1 KB स्टैंड्स फॉर 1024 bytes। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज LCD, जैसे CRT था कैथोड रे ट्यूब, ऐसे ही LCD नाउ डेज यूज हो रहे हैं LCD, अब तो LED भी आ गया है। तो पहले LCD बीच में आया था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट वन इज अ मैन इज मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब ये जो है सबसे बड़ा नेटवर्क बोला जाता है, लैंड वैन से भी बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज MB इज मेगाबाइट, गीगाबाइट से छोटा होता है एंड किलोबाइट से बड़ा होता है। मॉडम मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, मॉडम का फॉल फॉर्म इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिएगा। मॉडम आ भी चुका है कई जगह, बैंक में भी पूछा जाता है मॉडम। मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर MPEG, JPEG का मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, जो भी आप TV वगैरह पे इमेजेस देखते हो ना वो MPEG के थ्रू ही होती है, जो पिक्चर मूवमेंट हो रही होती है, राइट। MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। देन NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, PCI इज योर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस, तो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं उनको इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए हम PCI का यूज करते हैं। देन POP इज इंपॉर्टेंट, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपकी ईमेल वगैरह में भेजने के लिए यूज होता था पहले POP, आजकल तो IMAP यूज होता है, ठीक है। PROM दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ROM तो आपको पता ही है, P ऐड कर दिया तो प्रोग्रामेबल हो गया। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन RGB इज अ प्राइमरी कलर ऑफ एनी कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज किए जाते हैं, जो भी हमारा CRT बना था वो भी पहले RGB पे बेस्ड था, ठीक है। तो इन्हीं को मिला के फिर सारे कलर्स जो है वो डेरिवेट किए गए हैं, ठीक। तो रेड ग्रीन ब्लू दैट इज ROM रीड ओनली मेमोरी इजी है। देन SAP दैट इज सर्विस एक्सेस पॉइंट, ओके। एंड स्लिप का याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट चलते, मैंने देखिए इसमें मैंने इस ट्यूटोरियल में सारे ही इंपॉर्टेंट जो एब्रीवेशन है वो पूरी लाने की कोशिश की, ताकि आपको कहीं और से पढ़ना ना पड़े, ये वीडियो देख लेंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है SMPS स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, SMTP इज ऑल्सो यूज फॉर द नेटवर्किंग, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज किया जाता है मेल वगैरह ट्रांसफर डिलीवरी के लिए। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज DBS में जब भी कोई क्वेरी लिखी जाती है तो SQL के थ्रू। देन TCP मैंने वहाँ IP का नाम लिया था, तो ये दोनों नाम आप एक साथ में याद रखिएगा, देखिए नीचे आ भी गया है। दिस इज योर TCP IP, TCP दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड दिस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनको साथ में रखा जाता है क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और ये कनेक्शन लेस होता है IP प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, UPS का भी आ चुका है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS लगा रहता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी आ चुका है नेट के एग्जाम में। देन URL ये भी आ चुका है, सारे ही आ चुके हैं बट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक वर्चुअली नेटवर्क क्लियर करते हैं। W3 पता ही होगा सभी, तो क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, WAP वायरलेस एरिया प्रोटोकॉल, XML एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। सो ये मैंने सारे ही सम अप करने की कोशिश किया, अगर कुछ इन केस रहेगा तो मुझको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, तो मैं वो भी कवर करा दूंगी अपने आने वाले लेक्चर्स में।
सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. अभी तक अगर आपने मैं सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना. बेल आइकन को जो भी विंडो के साइड में दी हुई है उसको दबा दीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके. और अन अकेडमी पे मुझको फॉलो जरूर कर लेना. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. हैव अ नाइस डे. हैप्पी संडे.